ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। मंथली एक्सपायरी का दिन है, पर मोर इम्पॉर्टेंटली जिस तरह से यहां पर रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति अब बन चुकी है, कहीं ना कहीं अब ग्लोबल बाजारों से जो सेंटिमेंट है वो कल से ही खराब होने शुरू हो गए थे। और आप जो देख रहे थे कि जैसा कि हम हेडलाइंस में भी आशीष हम बता रहे थे कि अमेरिकी बाजार जो है इस साल के सबसे निचले स्तरों पर जाते हुए नजर आए हैं, तो उसका जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है वो क्लियर कट आपको एसजीएक्स निफ्टी में अब रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 240 अंकों की गिरावट जो है यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आया है। डाउ फ्यूचर्स पर भी एक बार नजर डाल देते हैं, क्योंकि कल शाम जब हम देख रहे थे बाजार हमारे बंद होते हुए दिखे थे तो 250-350 पॉइंट की ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर कामकाज हो रहा था। 180 अंकों की गिरावट के बाद आप देखिए ऑलमोस्ट डाउ फ्यूचर्स अभी भी 130-140 अंक नीचे है। तो ग्लोबल मूड माहौल जो है काफी खराब है, और कहीं ना कहीं इसके जो क्लियर कट संकेत है एसजीएक्स निफ्टी तो बता ही रहा है, तो एक गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन है। पर जरूर ये देखना होगा कि जो मंथली एक्सपायरी का मूव है वो शायद कितना सपोर्ट कर पाता है, या फिर फर्दर एक फ्रेश जो है शॉर्ट साइड बिल्डअप होती हुई आती है। इन सभी जो ट्रिगर्स हैं इस पर हमारा आज के सत्र में फोकस बना रहेगा। तो मेरी तरफ से लार्जली सभी जो है आज के सत्र में सेल कॉल्स है। आशीष, आप किस तरह से रणनीति देखिए? सेल कॉल के साथ ही चलना पड़ेगा, जिस प्रकार से भारी गिरावट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। और सबसे खास बात देखें तो डाउ फ्यूचर्स 34,000 का जो स्तर है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, लंबे समय से तोड़ नहीं रहा था, उसको तोड़ दिया। अब इसको तोड़ने के बाद जो एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का जो कंफर्मेशन वो आ गया है, तो यहाँ से भी अगर आप देखें तो 1,000-1,500 पॉइंट के जो फ्लैश क्रैश है आपको आते हुए नजर आ सकता है। तो मंदी का मूड है, शुरुआत कर लेते कैश के स्टॉक के साथ, बताइए। देखिए कैश स्पेस में स्टॉक मैंने चुना है ऑयल इंडिया का। आप देखिए जिस तरह से कच्चे तेल में ऑलरेडी इतनी तेजी बनती हुई नजर आ रही है, 97-98 डॉलर के आसपास ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरह से यहाँ पर युद्ध की स्थिति अब बन चुकी है उसका डेफिनेट रिएक्शन जो है आपको ऑयल इंडिया में कैश स्पेस में जो है आपको खरीद कर चलना है। ONGC ऑयल इंडिया पर आज के सत्र में बड़ा फोकस बनता हुआ नजर आ सकता है। 226 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 217 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आशीष, आपने क्या चुना है? पहली चुना यूनिकेम लैब्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कमजोर बाजार में भी देखें तो स्टॉक पिछले 3-4 सत्रों में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन खास बात यह कि आप ये मत उम्मीद करिएगा कि आज के जैसे बाजार में भी आपको एक तेजी दिखा दे। आपको एंट्री बहुत जी कैलकुलेशन के साथ करनी होगी, जब आपको निश्चित स्तर पर मिले तब आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हो, और दिन के दौरान जैसे बाजार में रिकवरी आती है तब आपको यहाँ पर गेंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे स्टॉक अगर आप देखें तो टेक्निकल ये इशारा कर रहे हैं कि 270 की तरफ बढ़ रहा है, करीब 10 रुपये तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन एंट्री बहुत अहम होगी, और जो एंट्री प्राइस होगा उससे 3-4 रुपये नीचे का जो है आप स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक में स्ट्रेंथ है, हो सकता है कि यहाँ पर भी बाजार की रिकवरी के साथ बढ़िया रिकवरी और इनफैक्ट तेजी भी देखने को मिले। यूनिकेम लैब्स मेरी तरफ से कैश का स्टॉक लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में देखिए बिकवाली करना चाहता हूँ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। बैंक्स फाइनेंशियल्स हाई बीटा होते हैं, सभी जानते हैं जब बाजार में ज़्यादा गिरावट आती है तब ये भी स्टॉक्स ऐसे हैं जो बढ़ चढ़कर गिरावट में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छे ब्रेकडाउन की यहाँ पर उम्मीद है, तो 1,158 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजीशंस लेंगे, और करीब करीब जो आपकी एंट्री प्राइस होगी शॉर्ट पोजीशन में उससे 10 रुपये ऊपर का जो है आप स्टॉप लॉस लगा ले, दिन के दौरान बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो बैंक्स और NBFCs पर फोकस तो हमारा बना ही रहेगा आज के सत्र में, क्योंकि बाजार की गिरावट में यहाँ पर काफ़ी अहम पार्टिसिपेशन हो सकती है क्योंकि ये मार्केट हैवी वेट्स है। साथ ही आपको मेटल्स और ऑटोज इन सभी काउंटर्स पर भी फोकस रखना है, क्योंकि ग्लोबली जब भी गिरावट आती है तो इनका क्लियर कट कोरिलेशन आपको गिरावट में आता हुआ दिखता है। तो फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने मदरसन सुमी चुना है, जिसका ग्लोबल एक्सपोजर काफ़ी हाई है। इनफैक्ट अगर आप यूरोप और यू की बात करें, यूरोप और यूके की बात करें, तो वहाँ से करीबन 34% जो हिस्सेदारी है इनकी आय की वो आती हुई नजर आती है। तो इसलिए फ्यूचर्स कैटेगरी में मदरसन सुमी यहां पर आपको आज बिकवाली कर चलनी है। आज के सत्र में 150 रुपये के टारगेट लगातार ये मैं आपको बिकवाली के लिए रेकमेंड भी कर रहा हूं, और ऑलमोस्ट आप देखिए 155 के लेवल्स पर ये आ चुका है। तो आज के सत्र में और 150 रुपये तक का जो लेवल्स है आज आता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग भी आपको देखने को मिले, उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर गिरावट रहेगी, तो अपने हिसाब से आप टारगेट्स एडजस्ट कर लीजिएगा अपने आज के लिए, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है सभी स्टॉक्स की जो रिकमेंडेशन है हमारी। तो और 159 रुपीज़ का हायर साइड पर आपको डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और बेस्ट ऑप्शन में आज मैंने चुना है डॉक्टर रेड्डीज का काउंटर, जिसका पुट ऑप्शन
आज आपको खरीद कर चलना है। इसको चुनने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनका रशिया में जो एक्सपोजर है उस पर आज इम्पैक्ट हो सकता है। आप देखिए FY21 में कुल आय का करीबन 8.5% हिस्सा जो है इनका रशिया से आता हुआ नजर आता है। कल कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट्स भी आ रहे थे कि यहाँ पर जो है इनका काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है CIS कंट्रीज में भी रशिया समेत, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है आज इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। ₹15.50 का पुट ऑप्शन है, ये इसी एक्सपायरी का है, तो यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। ₹30 के टारगेट के लिए ₹10 का डेफिनेटली आपको इसमें भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। देखिए ऑप्शंस के माध्यम से जो है मैं भी बिकवाली करना चाहता हूँ। अदानी पोर्ट्स यहाँ पर जो है आप शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। स्टॉक अगर आप देखें तो लंबे समय से कंसोलिडेटिंग रेंज में चल रहा है। डेली चार्ज देखेंगे तो आपको जो रेंज है वो विजिबल हो जाएगी, लेकिन अब जिस प्रकार से बाजार का मूड माहौल है हो सकता है कि यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिले। लेकिन क्योंकि सारे अधिकतर जो ब्रोकरेज हाउस हैं वो इस मंथ की यानी एक्सपायरी के दिन के जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट्स डिसेबल करके रख देते करते हैं, तो आपको जो है बड़ा मार्जिन साथ में रखना पड़ता है। इसके लिए सेफर साइड जो है मार्च, यहाँ पर जो अगले महीने का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और आपको जो है लिक्विडिटी का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मेरे हिसाब से जब मैं देख रहा था कल के अनुसार जो क्लोजिंग आई है लिक्विड है, आपको फिल मिल जाएगा, तो अदानी पोर्ट ₹700 की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और स्पॉट लेवल अगर करीब करीब 695 तक के भी देखने को मिलेंगे तो ये इस जो पुट ऑप्शन है इसकी वैल्यू हो जाएगी करीब ₹34 की। आप 3 का रिस्क लेके चल सकते हैं और बेटर यही होगा कि इसे इंट्राडे कॉल समझिए। आज वर्क किया तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी पोजीशंस को जो है काट के चल सकते हैं। अदानी पोर्ट्स का ₹700 का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है बिकवाली करने के लिए अंबुजा सीमेंट। इसका चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बेहद कमजोर है। अच्छा, इसकी टैगलाइन है कि सीमेंट में जान है, लेकिन इसके चार्ट में बिल्कुल जान नहीं है कुशल। जिस प्रकार का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन डेली चार्ज पर देखने को मिल रहा है, वीकली चार्ज भी बहुत कमजोर है, तो ₹306 के लक्ष्य के लिए आप लीजिए शॉर्ट पोजीशन। थोड़ा समय देना हो सकता है, एक ही दिन में 330 से 306 नहीं आएगा, लेकिन सेफर साइड जो है आप ₹10 ऊपर तक का जो है एक स्टॉप लॉस लगा लें, अच्छी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो अंबुजा सीमेंट्स पर भी बिकवाली कर चलिए। और यहाँ पर टेक्नोपिक पे मैंने भी बिकवाली का कॉल चुना है और वो है टाटा मोटर्स का। मदरसन सुमी का तो एक्सपोजर है ही, साथ ही टाटा मोटर्स भी आप देखिए यूरोप चाइना तमाम जो है US यहाँ पर इनका बड़ा एक्सपोजर आता हुआ दिखता है, और JLR से तो ऑलमोस्ट 75% इनके रेवेन्यू आते हैं, तो क्लियर कट इम्पैक्ट यहाँ पर अभी आज के सत्र में आता हुआ दिख सकता है। काउंटर में अभी पिछले हफ्तों की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको गिरावट का इम्पैक्ट है, और इसीलिए आपको बिकवाली कर चलनी है टाटा मोटर्स में। ₹476 की प्राइसिंग है, ₹463 के टारगेट के लिए ₹482 ये हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा, तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स पर भी नजर रखनी है। तो लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुशल से जानते हैं उनकी फंडा पिक। देखिए आशीष, फंडा पिक के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना का। गिरावट में खरीदारी के मौके अच्छे यहाँ पर भी बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कल नैसडैक में हमें पिटाई आती हुई दिखी थी, हो सकता है कि आज IT काउंटर्स पर भी दबाव हमें देखने को मिले। बट डेफिनेटली इनके लिए आगे अच्छी पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कनाडा के जो डिजिटल बैंक है उन्होंने इनका जो सॉफ्टवेयर है इंटेलेक्ट CBX यानी कि कॉन्टेक्चुअल बैंकिंग एक्सपीरियंस रिटेल वाला, इसको लॉन्च करते हुए नजर आए हैं, जिससे कि आगे चलकर यहाँ पर जो इनका क्लाउड इंटरफेस है वहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर फोकस रखना चाहिए इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना। ₹666 की प्राइसिंग है, बट लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो 20-30% के रिटर्न डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकते हैं। ₹800 का टारगेट आपको लगाना है अगले एक साल में। बिल्कुल, फंडा पिक के तौर पर देखिए मुझे पसंद आ रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए इसमें कुछ नया नहीं है, डिक्सन पहले भी पसंद था, 6000 के भाव पे 7000 के भाव पर भी पसंद था, और इस भाव पर और बढ़िया लग रहा है। खास बात ये बताना चाहूंगा कि स्टॉक्स गिर जरूर गए, करेक्शन जरूर आ गया है, लेकिन जो स्टोरीज थी थीम्स हैं वो सारी इंटैक्ट है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, कैपिटल गुड्स हो, या फिर आप देखिए टेक्सटाइल है, रियलिटी है, सब में जो थीम है वो काफी जो है बरकरार है। तो डिक्सन टेक यहाँ पर 9 से 12 महीने का समय दीजिए, स्टॉक जो है 5000 के पार जाएगा, क्षमता काफी ज्यादा है, लेकिन फिलहाल 5000 का जो लक्ष्य। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी जो कैटेगरी है वो है निवेश के लिहाज से। निवेश के लिहाज से मैं मान रहा हूँ कि जिस प्रकार से इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में एक चिंता का कारण बना हुआ है, US में करीब 40 साल की ऊंचाई पर देखने को मिल रहा है, भारत में भी इन्फ्लेशन है, तो कमोडिटीज़ में एक्सपोजर आपका ज़रूर होना चाहिए, और खासतौर पर वो कमोडिटीज़ जो हो सकता है कि आपको जो नियर टर्म है वहाँ पर आपको तेज़ी दिखा सके। ऐसे में एक है एल्युमिनियम, क्योंकि रूस का जो विवाद है वो सीधा इम्पैक्ट करता है,
तो नालको यहाँ से 9 से 12 अमेरिका समय दीजिए स्टॉक देगा 140 के पार जाएगा, अच्छे रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने चुना है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, कल जिस तरह से यहाँ पर डील आती हुई दिखी थी, जो बटरफ्लाई गांधीमती को 55% की हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है, इनके लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है आगे चलकर। वैल्यू बाइंग है डेफिनेटली, 407 रुपए की प्राइसिंग है, 520 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है अगले एक साल में। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और EID पैरी ये स्टॉक मैंने चुना है जहां पर आपको फोकस रखना है। यहां पर 28 फरवरी को दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान करने पर बोर्ड बैठक होने वाली है, तो अच्छा खबर का ट्रिगर है EID पैरी, 432 का लक्ष्य रखिए, 415 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो देखिए खबरों के लिहाज से मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है बलरामपुर चीनी, क्योंकि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की बातें हो रही है तो इसका एक सीधा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। खबर वैसे आ चुकी है लेकिन फिर भी सेंटिमेंट इंपैक्ट जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और स्टॉक जो है थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है, तो हो सकता है कि आज गिरावट के साथ शुरुआत हो लेकिन रिकवरी जो है दिन के दौरान यहाँ पर जरूर आएगी। 418-420 रुपये का लक्ष्य है, 402 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस और बलरामपुर चीनी में करिए खरीदारी। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी निमाई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर तीनों स्टॉक जो है मेरे पास बिकवाली के हैं। सबसे पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में गुजरात गैस, यहाँ पर जो है आपको शॉर्ट पोजिशन लेके चलना चाहिए। जब बाजार तेजी दिखा रहा तब भी ये स्टॉक में जो है तेजी आई नहीं, अब बाजार में गिरावट है तो स्वाभाविक है कि बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। 622 की क्लोजिंग है, 607 रुपये का लक्ष्य है, 625 का लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में JSW स्टील, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक जो है सपोर्ट के पास चल रहा है, तो यानी अगर यहाँ से थोड़ी भी दिन के दौरान गिरावट आती है तो बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में 615 की जो क्लोजिंग है JSW स्टील के फ्यूचर्स में आप 602 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस लेके चल सकते हैं। और वैसे भी देखें तो पिछले एक हफ्ते से जो मेटल स्टॉक्स हैं इनमें खास वीकनेस जो आपको नजर आ रही है, तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर शॉर्ट करने की 620 यानी केवल 5 रुपये ऊपर जो है फ्यूचर्स में आप जो है लगाएंगे स्टॉप लॉस, दिन के दौरान यहाँ पर ब्रेकडाउन आएगा। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में UPL, यहाँ पर भी देखें तो स्ट्रक्चर है बेहद कमजोर, कंटिन्यूस जो है यहाँ पर लोअर लोज डेली चार्ज पर नजर आ रहे हैं मुझे, तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर फर्दर क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, 16800 के नीचे फिलहाल SGX निफ्टी चल रहा है, तो ऐसे में शॉर्ट करने में ज़्यादा कंफर्ट है। 674 का जो है लक्ष्य रखिए ध्यान में, 694 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस और UPL के फ्यूचर्स में लीजिए शॉर्ट पोजीशंस। बिल्कुल, तो चलिए मेरे भी तीनों बिकवाली के काउंटर्स हैं माई चॉइस में। सबसे पहला कॉल है टाटा स्टील पर, तो मेटल काउंटर्स में यहाँ पर बिकवाली करके चलिए 1100 रुपये के टारगेट के लिए, 1150 रुपये का स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है अपोलो टायर्स पर, यहाँ पर दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल एक्सपोजर है यहाँ पर वहाँ उसका तो इम्पैक्ट आएगा ही, साथ ही कच्चे तेल में जिस तरह की तेजी है उस वजह से भी यहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है। 194 रुपये के टारगेट के लिए बिकवाली करिए, 205 रुपये आपका स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है ब्रिटानिया पर, सेंटिमेंटली काफ़ी नेगेटिव हो सकता है जिस तरह से शिकागो वीट फ्यूचर्स जो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 8 साल की ऊंचाई पर है यहाँ पर कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, जो लेवल्स आते हुए दिखे हैं कल भी 3% ये चलता हुआ दिखा था शिकागो वीट फ्यूचर्स, उस वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटानिया पर आज आपको सेल इम्पैक्ट आ सकता है। 3400 रुपये के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है, पर 3540 रुपये ये आपका डेफिनेटली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन कर चलना है। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में यूनिकम लैब, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के फ्यूचर्स मिलेंगे शॉर्ट पोजीशंस, और अदानी पोर्ट्स मार्च का 700 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली अंबुजा सीमेंट यहाँ पर ब्रेकडाउन की संभावना है, फंडामेंटली अभी भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज, और निवेश के लिहाज से खरीदना है नालको। खबरों का असर देखने को मिलेगा बलरामपुर चीनी में, गुजरात गैस, JSW स्टील और UPL में जो है शॉर्ट पोजीशंस लेके चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपेक अंबुजा सीमेंट, जहाँ पर डेली चार्ज पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन के नीचे ब्रेकडाउन की संभावना है, 306 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। बिल्कुल, तो चलिए कैश स्पेस में ऑयल इंडिया कच्चा तेल जो है ऑलमोस्ट $100 के पास पहुंचता हुआ नजर आ सकता है, जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में स्थिति बनी हुई है। 226 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है, पर बिकवाली करनी है आपको मेटल्स और ऑटो काउंटर्स में। मदरसन सुमी बेचकर चलिए 150 रुपये के टारगेट के लिए, साथ ही डॉक्टर रेड्डीज जिसका करीबन 8% एक्सपोजर रशिया से है 4200 का पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है 30 रुपये के टारगेट के लिए। टाटा मोटर्स यहाँ पर भी ग्लोबल एक्सपोजर की वजह से आपको बिकवाली करने की राय है, चार्ट स्ट्रक्चर भी कमजोर है। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना अगले एक साल में 800 रुपये के टारगेट दिखाता हुआ नजर आ सकता है, साथ ही निवेश के लिहाज से आपको खरीदना है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स, कल भी शानदार तेजी आई थी और मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए जिस तरह की ये डील आती हुई दिखी है बटरफ्लाई गांधीमती के साथ वो इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हो सकती है। 520 का टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी कर चलिए। EID पैरी डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है, 432 का लक्ष्य यहां पर लगाकर चलिए। और माई चॉइस कैटेगरी में तीनों के तीनों कॉल्स बिकवाली के हैं, जिसमें टाटा स्टील, अपोलो टायर्स और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज
आपको बेचकर चलना है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है सीजी कंज्यूमर का, जहां पर अगले एक साल में 520 यानी कि 20 से 30% कंजर्वेटिव बेसिस पर इसके टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि काफी बेहतरीन जो है टर्म्स पर ये डील होती हुई दिखी है बटरफ्लाई गांधीमती के साथ। तो चलिए, हमने आपको रिकैप करके तो बता दिया है किस तरह के स्टॉक्स और कौन से लेवल्स पर आज आपको ट्रेड लेना है, पर आज जो ग्लोबल मूड माहौल है ना आशीष, वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। देखना होगा कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो है हम किस तरह से ट्रेड करते हुए नज़र आते हैं। एक बारी SGX निफ्टी तो हम देख रहे हैं करीबन 300 अंकों की गिरावट है। एक बारी डाउ फ्यूचर्स पर भी नज़र डाल लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह का ट्रेड अभी देखने को मिल रहा है। तो ये जो गिरावट है, हम जब शो की शुरुआत कर रहे थे आशीष, 120-125 अंकों की गिरावट थी, अब 200 से ज्यादा अंकों की गिरावट फिर से डाउ फ्यूचर्स में लौटती हुई नजर आ रही है।